ड्राटे कुलाड़ी है ले जाओ, आज बढ़िया माल मिलेगा पूरी गारंटी के साथ। अच्छा गारंटी भी दे रहे हैं? गारंटी है, पूरी गारंटी असली है, असली माल है। चलिए क्या बात है, कुछ कमाई तुम्हारी हुई, कुछ लोग आए यहाँ पे? नहीं नहीं कोई कमाई नहीं, दोनों खरीद रहा बाबू जी, कोई खरीदता नहीं है। आप इसी का बिजनेस करते हैं, व्यापार इसी चीज का करते हैं? हाँ इसी चीज का करते हैं। ऐसे नॉर्मल है, 1500 रुपए का काम हुआ है। गर्मी आ रही है, मतलब गर्मी आ रही है, अभी होएगा अच्छा काम। ड्राइवर से हम कहे तो ये जी देखने के लिए स्पेशल चीज है कि बिना ड्राइवर की ट्रेन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीष ठाकुर, अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला मंडी और कांगड़ा के बीच भीड़ में, और यहाँ पे जो है मेले लगे हुए हैं, होली के मेले हैं, और इस उपलक्ष्य पर हम यहाँ पे आ पहुँचे हैं। लोगों से भी जानेंगे और स्थानीय जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जितने भी लोग जो हैं अपना व्यापारी कुछ लोग हैं जो सामान बेच रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इनकी बिक्री हो रही है नहीं हो रही है, क्या कुछ सामान उन्होंने रखा है, क्या कुछ परेशानियाँ इनको आ रही हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम गजरू। अच्छा आप ये बताएं, आप ये चीज़ें बेच रहे हैं, कोई खरीद भी रहा है यहाँ से? नहीं खरीद रहा बाबू जी, कोई खरीदता नहीं है मेले में। यहाँ से कब से? आम 5 दिन से यहाँ। कितनी कर बिक्री हो जाती है एक दिन में? एक दिन में 1 रुपए की भी नहीं अभी तक तो बिक्री, 1 रुपए की भी एक दिन की बिक्री नहीं है। अच्छा यहाँ अपनी स्टॉल लगाने के लिए, आप दुकान लगाने के लिए कुछ पे किया है आपने? हाँ जी। कुछ पैसे दिए यहाँ? नहीं जी पैसे नहीं। चलिए ये तो एक बात तो राहत है। चलिए देखिए जिस तरह से आजकल ये सामान जो है हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कुदाली है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, और जिस तरह से यहाँ जो हिमाचल की बात करें तो जैसे आप जानते हो दराटी कहते हैं इसको, सारी चीज़ें हैं, और ये कुदाली है, कुछ सामान है, कुछ ज़रूरतमंद सामान है, लेकिन आज कोई लेता नहीं है। ये लोग ऐसे ही बैठे हैं कई दिनों से, और लेना चाहिए इस तरह के सामान। हम आपको आगे भी दिखाएंगे जिस तरह से सामान रखा है, लेकिन ये लोग अब ये कहें तो लोगों का इंटरेस्ट इन चीज़ों से बहुत कम हो चुका है। ये सारा सामान होता है, आप लोग लेते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, तो इनका भी बेचारों का कुछ यहाँ से अपना बन जाए, गुजारा हो जाए। हम यही चाहेंगे कि आप ये चीज़ें लीजिए और यूटिलाइज़ कीजिए। ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रोज़मर्रा में आपके घर के कामों के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। चलिए हम बने रहिए हमारे साथ और हम आपको आगे दिखाएंगे, मेले का कुछ लुत्फ दिखाएंगे कि इस तरह से मेले में काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, काफ़ी सारी दुकान से यहाँ पे लगी हुई हैं, और कुछ कपड़े के आइटम्स हैं अलग अलग तरीके से हैं, कुछ बच्चों के लिए स्पेशल है। स्पेशली हिमाचल की बात करते हैं, और हिमाचल में जिस तरह की आपको खासकर मेलों की बात करेंगे, मेलों में अधिकतर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जिस तरह से गोलगप्पे यहाँ पे आपके सामने हैं, और लोग बड़े आनंद से मेलों में इसलिए आते हैं कि इन चीज़ों का भी लुत्फ उठा सकें। हमने आपको दिखाया, कुश्ती दिखाई, और हर सामान दिखा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? ड्राटे कुलाड़ी है ले जाओ, आज बढ़िया माल मिलेगा पूरी गारंटी के साथ। अच्छा गारंटी भी दे रहे हैं? गारंटी है, पूरी गारंटी है। क्या नाम है आपका? सागर है। सागर जी ये दराट आप बेच रहे हैं कितने का है? ये वैसे 200 का है, 180-150 तक दे देते हैं वैसे। अच्छी क्वालिटी का लोग है? बिल्कुल अच्छी क्वालिटी है। ये सामान सारा आप ही की दुकान है? हाँ ठीक ठाक है, पहले में आप थोड़ा चलेगा, जब चलता जाएगा माल थोड़ा। रहने वाले कहाँ के? देहरादून। देहरादून से आए हुए हैं स्पेशली मेलों के लिए? चौथड़ा में रहते हैं। जी हाँ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बात करने के लिए, और जिस तरह से दिखाना चाहेंगे आपको मेलों में है, और काफ़ी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आप गुब्बारे चीज़ें देख सकते हैं, और स्पेशली अगर आप फालूदा आइसक्रीम का हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों का पहला इंटरेस्ट होता है सभी का कि मेले में जाएँ तो आइसक्रीम कम से कम खा लें, और फालूदा आइसक्रीम बहुत प्यारी है। देखिए बड़े प्यार से लोग आइसक्रीम खाते हैं, और गर्मियाँ जिस तरह से शुरू हो चुकी हैं। भाई साहब कैसे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर है जी। शंकर जी कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान से जी हैं। आपका फालूदा आइसक्रीम बड़ा अच्छा डेकोरेशन आपने किया है, ये कब से आप यहाँ आए हो? यहाँ हम 2004 में आए हुए हैं। 2004 से आए हुए हैं, तब से अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा क्या कुछ कितनी बिक्री हो गई आज की? आज की तो ऐसे ही नॉर्मल है, 1500 रुपए का काम हुआ है। हाँ जी। गर्मी आ रही है, मतलब गर्मी आ रही है, अभी होएगा अच्छा काम होएगा। अच्छा काम होगा। हाँ जी हाँ जी। आइसक्रीम फालूदा गुलाब जामुन सारे बनाते हैं। हाँ जी हाँ जी। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हाँ जी हाँ जी। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे, भाई साहब क्या चीज़ है ये? बच्चों की गेम है। क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे? बच्चे रिंग में डालते हैं। अच्छा रिंग डल गया तो मतलब जितने में रिंग डाला उतना उसका हो गया? ये सारा ओरिजिनल है कि नकली रखे? असली है, असली माल है।
चलिए क्या बात है, कुछ कमाई दुमाई हुई, कुछ लोग आए यहाँ पे? नहीं नहीं कोई कमाई नहीं, दो दिन हो गए हैं कोई नहीं आ रहा है। सुबह का 150 रुपये बनाए, चलिए बनेगा, काफ़ी लोग हैं अभी तो कुश्ती देख रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए जोगिंदर नगर की जनता को, तमाम हिमाचल की जनता को, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और मेले हमारे सांस्कृतिक एक धरोहरें होती हैं और जिन्हें बचाना और इन्हें संजो के रखना ये हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है। और मेलों में जो एक कुश्ती का खासकर बात करें तो आयोजन भी होता है, और आप हम दिखाएंगे आपको कुश्ती का आयोजन बीच में, कि कुश्ती में जो लोग होते हैं बाहरी राज्यों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बाहरी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी कुश्ती पहलवान हैं और पहलवानी कर रहे हैं, अपना दम कम दिखा रहे हैं। को कुछ खूबसूरत सी चीज़ यहाँ से दिखाना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे पीछे फूलों से खूबसूरत सी दुकान सजी हुई है और इतने प्यारे यहाँ पे फ्लावर रखे हुए हैं, कुछ ऐसे आइटम्स हैं फूल की, बहुत प्यारी प्यारी फूल यहाँ पे हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। भाई साहब आपकी बड़ी अच्छी चीज़ लगी हमें पूरे मेले में, एक आकर्षण का केंद्र हम इसे मान सकते हैं, बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन के फूल हैं, कुछ गुलदस्ते हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारी चीज़ है। ये छोटा गुलदस्ता जानेंगे भाई साहब कितने का है? ये 150 का दो है भाई जी। तो देखिए अगर आपको इंटरेस्ट है आप भीड़ मेले में आएँ और इन चीज़ों को आप ले जा सकते हैं, और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े गुलदस्ते भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आगे आपको दिखाएंगे थोड़ा बारी बारी करके कि कुछ दुकानें यहाँ पे सजी हैं, बड़ी बेहतरीन दुकानें हैं, कुछ आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी बड़ी आराम से। और काफ़ी सारी जो हम कहें तो तादाद में यहाँ से लोग आए हुए हैं मेले का आनंद लेने के लिए भीड़ में, और आप देख रहे हैं खबर खास टीवी से ये सीधी लाइव तस्वीरें। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, उसमें कुछ जिस तरह से खाने के लिए आइटम्स हैं, जलेबी हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं एक एक करके कि अपने जोगिंदर नगर में और भीड़ में खासकर बात करेंगे, अच्छे मेले का आप आनंद लें और यहाँ पे आएँ। और कुश्ती का जिस तरह से आनंद लिया लोगों ने यहाँ से, अब खास बात करेंगे तो झूले भी यहाँ पर लगे हुए हैं, गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर मेरा सुरेश कुमार। जलेबियाँ बना रहे हैं, बड़ी अच्छी जी सर। हाँ जी हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे जलेबियों का क्या भाव लगे? सर 107 रुपये किलो बिक रही है। हाँ जी। अच्छा मेले में आज मतलब काफ़ी लोग आ रहे हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं तो व्यापार अच्छा हो रहा है? अच्छा, काफ़ी अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है इस बार। तो संदेश देना चाहेंगे लोगों के कि मतलब थोड़ा भीड़ भाड़ से थोड़ा ये रखे और सफाइयों का ख्याल रखे। हाँ जी, और हमारी यही है कि मतलब साफ़ सुथरा और सफाई का अच्छा ख्याल रखें थोड़ा, और दुकानदारों के से भाइयों से भी ये कि थोड़ा सफाई से रखें। हाँ जी, बहुत अच्छी बात आपने की है। आपसे जानना चाहेंगे आज कितने किलो आपने जलेबी जो है बना दी है? सर मेरे मतलब लगभग 2 क्विंटल के से, 2 क्विंटल के आसपास, और 2 क्विंटल ही मतलब पकौड़ा तैयार कर लिया है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद सर। चलिए देखिए किस तरह से करारी करारी जलेबियां हैं, कुछ हमने आपको दिखाना चाहा कि यहाँ से दिखाएं कुछ पकौड़ों की दुकान, जलेबियों की दुकान, और आप आएंगे तो ये आकर्षक होता है, आकर्षण का केंद्र होता है कि हम मेले में जा रहे हैं तो जलेबी तो ज़रूर खाएं। और काफ़ी सारी दुकान से यहाँ पे लगे हुए हैं, हम आपको एक एक करके दिखा भी रहे हैं। आगे तक अगर आप बात करें तो मिष्ठान और जलेबी पकौड़ा और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और बड़ी अच्छी बनी है, रंग बिरंगी बनी है, आपने व्हाइट बनाई है। सर क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी, आपने लाल जलेबी भी बनाई है, व्हाइट जलेबी भी बनाई है, क्या फ़र्क है दोनों में? इसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें कलर डाला गया है और इसमें नहीं, बाकी मीठी तो बराबर है दोनों। बराबर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप देख भी पा रहे हैं और ताज़ी बन रही है बिल्कुल, और आपको आना चाहिए, मेले का आनंद भी लेना चाहिए, साथ में आप अपने घर के लिए ले जाएँ, आप जलेबी लेकर जाएँ यहाँ से। काफ़ी सारे गर्मा गर्म पकौड़े भी यहाँ से बना रहे हैं भाई साहब, और यही है मेले का कि खास आप मेले की कवरेज इतनी है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो झूला झूल रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादशाह। बादशाह जी क्या ये कुछ आप रोल करके फेंक रहे हैं बच्चे, ये क्या कर रहे हैं? रिंग खेल रहे हैं। ये क्या इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इनाम मिलता है। इनाम मिलता है? कैसे इनाम मिलता है? जैसे जिस रोल में पड़ेगा वही इनाम मिलेगा। अच्छा, जिस भी रोल में पड़ेगा वो चीज़ मिल जाएगी, भले ही वो 100 रुपये का नोट हो या 200 का हो, चाहे कुछ भी हो, उसी का हो जाएगा। अच्छा, दिन का कितना कमा लेते हैं आप? एक दिन में कितना कमा लेते हैं? जगह का किराया देगा 300-400 बन जाएगा। चलिए
अच्छा है, चलिए मेहनत कीजिए। और यही चीज़ें हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ निशानेबाजी यहाँ पे हो रही है, देखिए बहुत प्यारी एक निशानेबाजी यहाँ पे हो रही है। सर क्या नाम है? पवन कुमार। पवन कुमार जी, ये क्या है, क्या चीज़ है, क्या कर रहे हैं? अरे मनोरंजन गेम है, ये निशाना लगाने होते हैं, बस मनोरंजन है। ठीक है भाई साहब, निशाना लगा रहे हैं, किस चीज़ पे निशाना लगा रहे हैं? मैं लगा रहा हूँ 50 के नोट पर निशाना। 50 के नोट पर भाई साहब निशाना लगाएंगे, अगर आपका निशाना लग गया तो ये चीज़ ये मेरी हो जाएगी चीज़। क्या बात है, अभी देखते हैं भाई साहब का निशाना लगता है नहीं लगता है। वो बिल्कुल आपके इसमें कैमरा है और देखिए और ये देखिए भाई, भाई ने जीता हुआ, देखे क्या जीता हुआ इन्होंने यार, भाई ये जीता हुआ है बिस्किट का पैकेट भाई। चलो आपको बहुत बहुत बधाई, आप बच्चों के लिए बहुत टॉय ट्रेन यहाँ पे है, बड़ी अच्छी ये चीज हमें देखने का एक आकर्षण सा केंद्र लगी। भाई साहब चलता कब है ये? अभी आप देख पा रहे हैं टॉय ट्रेन जो है वो चल पड़ी है, कितना प्यारा एक सुंदर सा नज़ारा है, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं और ये ट्रेन जो है वो चल पड़े हैं, और जैसे ये ट्रेन चलेगी और साथ में झूले हैं और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, बारिश की बूंदा बूंदी हो रही है जी। देखिए इतनी गर्मी का मौसम है, गर्मी ऐसा लग रहा हो, लग रही है गर्मी, और छोटे छोटे बच्चे जो है पूरा मेले का आनंद लेते हुए। ये खास कवरेज है हमारी खबरकास्ट टीवी की और आपको ये देखनी चाहिए, और यदि आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो एडवेंचर के लिए यहाँ लाने चाहिए अगर आप नज़दीक से हैं तो। लेकिन बच्चों का साथ साथ आपको ख्याल भी रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चे काफ़ी शरारती भी होते हैं और प्यारे भी होते हैं। तो देखें जैसे ये ट्रेन चलेगी हम आपको थोड़ा सा दिखा देंगे। अब ये ट्रेन जो है अब चल पड़ी है, देखिए ट्रेन चली है, कितनी ज़बरदस्त ये ट्रेन चली है, एक टॉय ट्रेन है और कितने प्यारे प्यारे बच्चे, एक बहुत ही अच्छा, आप देखिए ये ऑटोमेटिक जो है वो ट्रेन एक चल रही है बिना ड्राइवर से हम कहें तो। ये जी देखने के लिए स्पेशल चीज़ है कि बिना ड्राइवर की ट्रेन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और आपको देखना चाहिए जिस तरह से छोटे बच्चे हैं और बच्चे किस तरीके से जो है यहाँ से झूलों में खेल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं मेलों का, जो होली के मेले हैं भीड़ में लगे हुए हैं जी। हमने भी चाहा कि आपको थोड़ा सा दिखाया जाए यहाँ से, और बहुत ही प्यारा सा मनमोहक सा दृश्य है किस तरह से। अब ये झूले की बात करेंगे, झूले की तरफ आप अपना कैमरा कीजिएगा थोड़ा, मैं चाहूँगा सहयोगी कैमरामैन से कि कितना एक बहुत ही रोचक सा दृश्य यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भीड़ में, ठीक मेले के बीचों बीच हम मौजूद हैं। देखिए अब आपको ऐसी कार दिखाएंगे जो बिना ड्राइवर से चल रही है जी, बिना ड्राइवर वाली कार, जिस तरह से आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं, पीछे टॉय ट्रेन चल रही है, टॉय कार चल रही है, ऊपर से हर वो चीज़ है यहाँ पे जो आपको मिलेगी एंजॉय करने के लिए। तो आप भी आएँ, मेलों का आनंद लें, और हमारे खबरकास्ट टीवी को आप यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलें। खास कवरेज आपको मेला दिखाना थी, खबर खास टीवी के लिए मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट, धन्यवाद।